हारून रशीद बादशाह का जमाना था और उस दौर में उनके दरबार में दो औरत आता था अपनी नौकरी तलाश करने के लिए। तो दो औरत में से दोनों अपने आप को दावा करती हैं कि हम यहाँ अपना काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे। और दोनों दावा पेश करती हैं, उसमें से एक खूबसूरत हसीनो जमील गोरी औरत होती है, काली काली। तो वो इल्म का जमाना होता है। हारून रशीद बादशाह कहते हैं कि तुम दोनों आपस में इल्मी गुफ्तगू करो, मुनाजरा, जो जीतेगा उसी का जो है दरबार नौकरी पक्की होगी। तो गोरी वाली औरत होती है, उसको अपने आप में बहुत तकब्बुर होता है, कहती है कि क्या सुन, हम सवाल पूछेंगे और तुमको जवाब दे देंगे। वो कहा कि ठीक है। तो सवाल यूं शुरू होता है जो शायर अपने अच्छे अंदाज में पेश किया है, अपने शायर मोती सफेद है, कीमत है उनकी लाखों, और कोई नहीं काला पैसे में ढेर पाए, और कोई नहीं काला पैसे में ढेर पाए। काली वाली औरत से कहती है कि कोयला सस्ता कितना होता है, दो चार पैसे में बहुत बहुत होता है। तो काली वाली की औरत होती है, आज का जमाना नहीं होता है कि औरत झगड़ा झुटी करके एक दूसरे से बाजी जीत जाए। इन का जमाना होता है, इन्हें गुफ्तगू करती है, सुनो जवाब दे काली वाली। है मुशक रंग काला, है मुशक रंग काला, कीमत है उनकी लाखों, रुई सफेद है पैसे में ढेर पाए, रुई सफेद है इंसाफ के लिए तो बादशाह हारून रशीद से कहते हैं, इंसाफ के लिए तो कुछ सोचिए या प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत जरा इंसाफ कीजिए कि सारे आसमान सब के सब सफेद है। तो काली वाली औरत इसका जवाब देती है, सुनो इंसाफ कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अपने वाले, इंसाफ कीजिएगा, है आप अपने वाले, कला खिलाफ काबा हजरत बिलाल काले, कला खिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। जरा कलाम को गौर करिएगा कि कितना वजनी शेर है। जो काली वाली औरत जिसको न कोई तकब्बुर न कोई घमंडी होता है, और बड़े नरमी के साथ और सादगी के साथ हर सवाल का जवाब देती है। तो फिर गोरी वाली औरत कहती है कि सुनो, कागज सफेद है सब, कागज सफेद है सब, कुरान पाक वाले। काली वाली औरत बोलती है कि एक मर्तबा फिर पढ़ो, हमें बहुत मजा आ रहा। तो बोलती है कागज सफेद है सब, कुरान पाक वाले। तो काली वाली औरत बोलती है, और उसमें जो लिखे हैं उनके हर्फ काले, और उसमें जो लिखे हैं उनके हर्फ काले। कि कागज तो कहीं फेंका हुआ मिल जाएगा, कोई कीमत नहीं है, इस कागज पर कुरान पाक लिख दिया जाए, वो वर्ड लिख दिया जाए, तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। तो फिर गोरी वाली औरत सवाल और ये आखिरी सवाल और आखिरी शेर कहती है कि रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली वाली बोलती है, जुल्फें हैं उनकी काली, कमली का रंग काला, जुल्फें हैं उनकी काली, कमली का रंग काला। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ भी काले हैं, कमली का रंग भी काला था। ये इनके शेर में बहुत ज्यादा वजन और गोरी वाली औरत को बिल्कुल खामोश कर देती है, सन्नाटा छा जाता है ऐसे दौर में, ऐसे लम्हात में उन्हीं की नौकरी पक्की हो जाती है काली वाली औरत।
क्योंकि पहले अहद मुआहदा हो जाता है कि नौकरी उसी की मिलेगी जो अपना मुनाजरा जीत जाए। तो कभी भी इंसान अपने के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपने शान के ऊपर, अपनी सलाहियत के ऊपर तकब्बुर घमंडी नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का बार बार है। शुक्रिया।